आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला। लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह बंद हैं, तो क्यों ना घर पे ही कुछ मज़ेदार मसालेदार बनाया जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता और मेरे चैनल गीतास किचन में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम लेंगे भिंडी, ये 200 ग्राम है। इसे धोकर साफ करके बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे और इसे कोट करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन से और हल्दी नमक, इन सबको डाल करके अच्छी तरह से इसे कोट कर देंगे। बेसन से कोट करने से भिंडी बहुत ही क्रिस्पी पकती है। पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और उसमें कोट किए हुए भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे लो फ्लेम पर और 5 मिनट बाद देखिए अच्छी तरह पक चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और हम तैयारी कर लेंगे ग्रेवी की। ग्रेवी के लिए 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरा तड़कने लगा है, इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग को अच्छी तरह से पका लेंगे, लाल हो जाएगा हींग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे और इसे गोल्डन होने तक भून लेंगे। गाइस, मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। लाइक डिसलाइक जो भी आपका जी चाहे ज़रूर करके जाइएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कुछ आगे अच्छा करने का। तो इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी और ये गोल्डन कलर हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इन सबको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। एक टेबल स्पून लहसुन और मिर्ची अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और 1/3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे। देखिए अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर का प्यूरी, ये 2 टमाटर हैं, इसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। और इन सबको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें, तब तक इसे पकाना है। आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है, यानी अच्छी तरह पक चुका है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच इतना पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। दही से इसका रंग बहुत ही सुंदर हो जाता है और बहुत ही टेस्ट इसका बढ़ जाता है। दही डालते समय फ्लेम को लो ही रखें ताकि दही फटे ना, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें ग्रेवी में। अब मैं इसमें 1 छोटा ग्लास पानी डाल करके इसे पका रही हूँ। आप पानी अपने मेज़रमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, बहुत गाढ़ा चाहिए तो कम डालिए, वरना इतना पानी डालकर इसे नमक डाल देते हैं स्वाद के लिए, और इसे अच्छी तरह से पका देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी जो हमने तल करके रखा था, और इन सबको हम 5 मिनट तक ढक करके पका देंगे। और गार्निश कर दिया है मैंने कटे हुए धनिया से। भिंडी मसाला रेडी हो चुका है, इसे हम सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ, राइस नान पराठा के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।